फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं श्वेता। फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड सिंपल डीआईवाई। तो फ्रेंड्स कई लोगों के आपने देखा होगा बहुत ज्यादा अनइवन सा स्किन टोन होता है, पिगमेंटेशन होता है, और पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ एरिया जो होता है बहुत ही ज्यादा उनका कालापन होता है पूरे अपर लिप्स में। तो इसको किस तरह से रिमूव किया जाए, तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा एक आसान सा तरीका है, घर बैठे ही आप इसे कर सकते हैं। और ये पिगमेंटेशन जो टैनिंग एरिया है उसे रिमूव करता है और साथ में आपके स्किन को इवन सा बनाता है। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें लगेगा पोटैटो का जूस यानी आलू का रस। तो एक मीडियम साइज का मैंने आलू लिया था, इसे अच्छे से धोकर ग्रेट कर लेना है। और इसका जो भी जूस है यानी रस, तो आलू का रस मैंने इस तरह से निकाल लिया है, ये अराउंड हाफ टेबल स्पून के बराबर है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर लेमन जूस। तो फ्रेंड्स पोटैटो एक बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, ये आपके स्किन को लाइटन करता है और साथ में ब्राइटनेस देता है, टैनिंग को रिमूव करता है। और साथ में जो लेमन है उसमें भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। और साथ में इसमें हमने ऐड किया है हाफ टोमेटो का जूस। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको आधे टमाटर का रस चाहिए, तो ये अराउंड 1 टीस्पून के बराबर है। अगर आपको पूरे चेहरे में लगाना है तो आप इसका रेशियो बढ़ा सकते हैं, बट इसे हम लगा रहे पिगमेंटेड एरिया अराउंड द माउथ। तो फ्रेंड्स इसमें जो बीज है इसे रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो फ्रेंड्स टोमेटो आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है, शाइनिंग बनाता है, हाइड्रेट करता है, टैन को रिमूव करता है। साथ में मैंने इसमें ऐड किया है बेसन 1 टीस्पून के बराबर, और ग्रैनुलेटेड शुगर यानी दानेदार चीनी ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून के बराबर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा पैक, तो ये ज्यादा ना लिक्विड रहेगा ना ज्यादा थिक, तो इसे हमें अप्लाई करना है शुगर डिजॉल्व होने से पहले ही, तभी इसका इफेक्ट अच्छा आएगा। जो ये हाफ टोमेटो है इसका जैसे कि मैंने कहा था यूज होने वाला है, किस तरह से यूज करना है, इसे डिप करना है और इस तरह से जहां भी आपका पिगमेंटेड एरिया है अराउंड द माउथ है वहां भी लगा सकते हैं, साथ में स्किन में चेहरे पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये टैन को रिमूव करेगा, पिगमेंटेशन को भी रिमूव करता है। तो इस तरह से इसे लेते हुए आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए करना है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है। और साथ में जो हमने शुगर लिया है नेचुरल ह्यूमेक्टेंट होता है, ये हाइड्रेट करता है आपके स्किन को, एक्सफोलिएट करता है और ग्लोइंग बनाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बस मैं आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी पिगमेंटेशन जैसा कि आप जानते हैं नहीं है, तो जिनका है उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो इसे 10 मिनट्स करने के बाद आपको सिंपल इसी तरह से छोड़ देना है। अगर आपने पूरे चेहरे पे लगाया है तो चेहरे को भी इसी तरह से छोड़ देना है, और 10 मिनट्स बाद आपको सिंपल वॉश कर लेना है प्लेन वाटर से। तो इसे इसी तरह से रहने दूंगी, फिर मैं वॉश करके आती हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने वॉश कर लिया है, इसे करना है एवरी नाइट फ्रेंड्स। और इसे करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप लगाते हैं माइल्ड सा, वो आप अप्लाई करके बस सो जाना है। सिंपल सा यूजफुल डीआईवाई है जो आपके अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, साथ में स्किन में लगाएंगे तो भी शाइनिंग करेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।